हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स गोल्डन सिल्वर एनालिसिस। दोस्तों, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप लोग लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप ज्वाइन कीजिएगा। मार्केट आर्ट्स पे गोल्ड और सिल्वर के रिगार्डिंग अपडेट्स व्हाट्सएप पे मिलता रहेगा। जैसे कि हम लोगों ने व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट किया था, कल के ट्रेडिंग सेशन में जीडीपी का डेटा आया था और दोस्तों ये डेटा डॉलर इंडेक्स के लिए निगेटिव था और उसी हिसाब से गोल्ड और सिल्वर के लिए पॉजिटिव था। और दोस्तों, कल के ट्रेडिंग सेशन में इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का भी डेटा आया था और दोस्तों ये डेटा भी डॉलर इंडेक्स के लिए निगेटिव था और उसी हिसाब से गोल्ड और सिल्वर के लिए पॉजिटिव था। और दोस्तों, आज के ट्रेडिंग सेशन में पीसीई का डेटा आने वाला है और दोस्तों ये डेटा गोल्ड और सिल्वर के लिए बहुत ही क्रूशियल होने वाला है। दोस्तों, आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर पीसीई का एक्चुअल डेटा फोरकास्ट डेटा से ज़्यादा आता है तब जो है ये डॉलर इंडेक्स के लिए पॉजिटिव न्यूज़ बनने वाला है और उसी हिसाब से गोल्ड और सिल्वर के लिए निगेटिव न्यूज़ बनने वाला है। और दोस्तों, अगर पीसीई का एक्चुअल डेटा फोरकास्ट डेटा से कम आता है तब जो है ये डॉलर इंडेक्स के लिए निगेटिव न्यूज़ बनने वाला है और उसी हिसाब से गोल्ड और सिल्वर के लिए पॉजिटिव न्यूज़ बनने वाला है। और उसी हिसाब से दोस्तों, मार्केट अभी पीसीई के डेटा का एंटिसिपेट कर रहा है। दोस्तों, पहले हम लोग फॉरेक्स सिल्वर का एनालिसिस कर लेते हैं और उसके बाद फॉरेक्स गोल्ड का एनालिसिस करते हैं। फॉरेक्स सिल्वर के 4 आवर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं 32 से 32.50 का जो रेंज है ये सिल्वर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बन गया है। दोस्तों, फॉरेक्स सिल्वर के 4 आवर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं 29.80 से $30 का जो रेंज है ये प्राइस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन बन गया है। और उसी हिसाब से दोस्तों, बहुत समय से प्राइस इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, जीडीपी का डेटा और इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डेटा आने के बाद अगर पीसीई का डेटा भी गोल्ड और सिल्वर के फेवर में आ जाता है तब जो है गोल्ड और सिल्वर में स्ट्रॉन्ग अपमूव दिखने वाला है। और उसी हिसाब से दोस्तों, पोजिशनल ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग के परस्पेक्टिव से 32 से 32.50 का जो रेंज है ये सिल्वर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। उसी हिसाब से दोस्तों, आने वाले समय में अगर प्राइस 32 से 32.50 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रेक कर देता है और इसके ऊपर सस्टेन करता है तब जो है आने वाले समय में सिल्वर 32.50 और $34 के लेवल पे भी जा सकता है। और दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया है 29.80 से $30 का जो रेंज है यह सिल्वर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन बन गया है। और उसी हिसाब से दोस्तों, आने वाले समय में अगर प्राइस इस रेंज के पास आता है तब जो है प्राइस में फिर से स्ट्रॉन्ग अपमूव दिख सकता है। और उसी हिसाब से दोस्तों, आने वाले समय में अगर प्राइस इस रेंज के पास आता है तब जो है लोअर लेवल पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के हायर लेवल पे 32 से 32.50 के लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। दोस्तों, आने वाले समय में अगर प्राइस 29.80 से $30 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है ये अगर ब्रेक कर देता है तब जो है हायर लेवल पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के लोअर लेवल पे 29.50 के नीचे $29 और $29 के नीचे 28.50 और $28 के लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों फॉरेक्स सिल्वर का कंप्लीट एनालिसिस। अभी हम लोग फॉरेक्स गोल्ड का एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों, फॉरेक्स गोल्ड के 4 आवर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं 2360 गोल्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया है। तो फॉरेक्स गोल्ड के 4 आवर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं 2320 से 2325 का जो रेंज है यह प्राइस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन बन गया है। और उसी हिसाब से दोस्तों, बहुत समय से प्राइस 2320 और 2360 के रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। और उसी हिसाब से दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग के परस्पेक्टिव से
आने वाले समय में अगर प्राइस 2360 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रेक कर देता है और इसके ऊपर सस्टेन करता है, तब जो है हम लोग लोअर लेवल पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के हायर लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। और उसी हिसाब से दोस्तों 2360 के ऊपर 2380 बनने वाला है गोल्ड के लिए फर्स्ट टारगेट, 2380 के ऊपर 2400 बनने वाला है गोल्ड के लिए सेकेंड टारगेट। और दोस्तों आने वाले समय में अगर प्राइस 2400 का इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस ब्रेक कर देता है, तब जो है हम लोग हायर लेवल पे 2420 से 2440 के लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। और उसी हिसाब से दोस्तों 2360 का लेवल गोल्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और दोस्तों जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है, 2320 गोल्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन गया है। और उसी हिसाब से दोस्तों गोल्ड के 4 आवर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं 2320 के लेवल पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट मिला है। उसी हिसाब से दोस्तों आने वाले समय में अगर 2320 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट ब्रेक हो जाता है, तब जो है हम लोग हायर लेवल पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के लोअर लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। और उसी हिसाब से दोस्तों 2320 के नीचे 2300 बनने वाला है गोल्ड के लिए फर्स्ट टारगेट, 2300 के नीचे 2280 बनने वाला है गोल्ड के लिए सेकेंड टारगेट। और दोस्तों आने वाले समय में अगर प्राइस 2280 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेक कर देता है, तब जो है हम लोग लोअर लेवल पे 2250 और 2250 के नीचे 2200 के लेवल के लिए आने वाले समय में ट्रेल कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों फॉरेक्स गोल्ड का कंप्लीट एनालिसिस। आशा करता हूँ आज का एनालिसिस आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।